पेनी लिया अकाउंटिंग फर्म पीडब्ल्यूसी को नियुक्त करने का फैसला। क्या अश्विनी ग्रोवर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं? रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के अश्विनी ग्रोवर पिछले महीने विवादों में आ गए थे जब उनका एक ऑडियो टेप जारी हुआ था जिसमें वे कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी को कथित तौर पर धमकी दे रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी। अश्विनी ने इन आरोपों पर इनकार किया है और कहा है कि अगर निवेशक उन्हें 4,000 करोड़ रुपए देते हैं तो वह अपनी कंपनी भारत पे छोड़ देंगे। पिछले महीने ऑडियो टेप जारी होने के बाद अश्विनी ने इसे फंड वसूलने की कोशिश कर रहे किसी घोटालेबाज द्वारा नकली ऑडियो कहा। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक अब अश्विनी के खिलाफ अपने कर्मचारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अनुचित भाषा को लेकर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। मनी कंट्रोल के साथ एक एक इंटरव्यू में अश्विनी ने कहा कि वह कंपनी तभी छोड़ेंगे जब कोई निवेशक $6 अरब के मूल्यांकन पर उनकी 9.5 हिस्सेदारी खरीदता है। अश्विनी ने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इस्तीफा दूं? यह सुनवाई से पहले सजा देने जैसा है। मैं MD हूं, मैं कंपनी चलाता हूं। अगर बोर्ड को लगता है कि मुझे MD बनने की जरूरत नहीं है और किसी और को कंपनी चलानी चाहिए तो कृपया मेरे 4,000 करोड़ रुपए टेबल पर रख दें और चाबी मुझसे छीन लें। यदि आप मुझे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे उचित बाजार मूल्य पर खरीदना चाहते हैं। मेरे विचार में उचित बाजार मूल्य $6 बिलियन है। या तो मैं कंपनी चलाऊंगा या वे मुझे खरीद लेंगे, कोई तीसरा विकल्प नहीं। भारत पे ने अपने बयान में कहा कि हमें इस बात का गहरा दुख है कि भारत पे के बोर्ड या बोर्ड के सदस्यों की ईमानदारी पर बार बार गलत तथ्यों और निराधार आरोपों के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं। कंपनी ने सभी लोगों से संयम बरतने का अनुरोध किया। ग्रोवर ने CEO को बोर्ड से बाहर करने की मांग की। ग्रोवर ने बोर्ड के सदस्यों को इस बारे में पत्र लिखा। ग्रोवर ने ही समीर को कंपनी के बोर्ड में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया था। भारत पे के दूसरे को फाउंडर शाश्वत मनसुख भाई नकरानी ने भी समीर को बोर्ड से हटाने की मांग की। नकरानी और ग्रोवर ने संयुक्त रूप से 20 अगस्त 2021 को समीर को बोर्ड में नॉमिनेट किया था। कंपनी के मुताबिक कंपनी के हर फाउंडर को बोर्ड में एक डायरेक्टर नॉमिनेट करने का अधिकार है। भारत पे के बोर्ड का स्वतंत्र ऑडिट के लिए अकाउंटिंग फर्म PwC को नियुक्त करने का फैसला को फाउंडर और MD अश्विनी ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर की सेवाएं समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने मनी कंट्रोल को यह जानकारी देते हुए कहा कि 4 बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक की रिपोर्ट के बाद ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एक सूत्र ने कहा, शेयर परचेज एग्रीमेंट कहता है कि बोर्ड अश्विनी और माधुरी की सेवाएं समाप्त कर सकता है, लेकिन उन्हें फ्रॉड की पुष्टि करने के लिए 4 बड़ी कंपनियों में से एक के सर्टिफिकेट की जरूरत है और इसीलिए PwC को नियुक्त किया गया है। AO कहते हैं, कंपनी से कोई संबंध नहीं रखने वाली 4 बड़ी कंपनियों में से एक के द्वारा घोर लापरवाही या जानबूझकर गलत आचरण की पुष्टि पर ऐसे फाउंडर के बारे में बोर्ड द्वारा एक सामान्य मेजोरिटी के आधार पर फैसला किया जाएगा, जो 4 बड़ी कंपनियों में नियुक्त की गई एक कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा। अब देखना यह है कि अश्विनी ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ती हैं या भारत पे से उनका नाता जुड़ा रहता है।